नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीबीसी फिल्में। रजनीकांत की एक्शन फिल्म जेलर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए कमाने की कगार पर है। फिल्म ने रिलीज के बाद मैं 16 दिनों में ही 588.68 करोड़ रुपए कमा लिए। सैकनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के तीसरे शुक्रवार को देश में सभी भाषाओं में मिलाकर कुल 2.5 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म 10 अगस्त को हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु जैसी भाषाओं में रिलीज हुई। रजनीकांत की फिल्म को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला इंडिया में। भारत में फिल्म ने रिलीज के दिन करीब 52 करोड़ रुपए कमाए। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 235.85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दूसरे हफ्ते की बात करें तो उसने 62.95 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं शुक्रवार को 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने देश में सभी भाषाओं को मिलाकर नेट 301.3 करोड़ रुपए की कमाई की। पिछले हफ्ते 2.0 और PS1 के बाद जेलर 500 करोड़ क्लब में जगह बनाने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। हाल ही में एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन ने ट्वीट कर फिल्म के वीकली कलेक्शन की जानकारी दी। इसके अलावा फिल्म ने ओवरसीज भी करीब 183 करोड़ रुपए कमा लिए। ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने US में रिलीज के पहले दिन ही करीब 11.9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये आंकड़े सुपरस्टार विजय की फिल्म वारिसु की कलेक्शन से भी ज्यादा है। वारिसु ने US में कुल 9.43 करोड़ रुपए की कमाई की थी। डायरेक्टर नेल्सन की फिल्म जेलर में रजनीकांत टाइगर मुथुवल पांडियन के रोल में है। टाइगर फिल्म में एक ग्रुप को रोकने की कोशिश करता है जिसका मकसद है जेल में कैद उनके लीडर को किसी भी हालत में जेल से बाहर निकालना। फिल्म में रम्या कृष्ण, तमन्ना भाटिया, विनायक कन, योगी बाबू, मोहन लाल और जयकिर श्रॉफ भी है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।